हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सही तरीके से शोल्डर को अटैच करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो तरह के सूट की कटिंग किया हुआ कपड़ा ले लिया है। जब हमने शोल्डर स्टिच करना होता है तो हम इस तरीके से फ्रंट और बैक पार्ट को रखते हैं और स्टिच कर देते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हम फ्रंट और बैक पार्ट को रखते हैं और स्टिच कर देंगे। जब हम इस तरीके से शोल्डर को स्टिच करते हैं तो ये तरीका हमारा गलत होता है, क्योंकि यहाँ पर ये शोल्डर हमारा अच्छे से बनकर और फिनिशिंग के साथ तैयार नहीं होता है। ये देखिए, ये शोल्डर हमारा सही तरीका नहीं है स्टिच करने का। आप कभी भी कोई सूट या ड्रेस की शोल्डर को स्टिच कर रहे हैं तो इस तरीके से कभी भी ना स्टिच करें, क्योंकि जब हम ड्रेस को वेयर करते हैं तो ये चीज़ हमारी चुभती है और बाहर की साइड पर निकली हुई होती है, जो कि दिखने में भी अच्छा नहीं होता है, जो कि दिखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो चलिए मैं आपको सही तरीके से शोल्डर को स्टिच करना बताती हूँ। ये देखिए, ये हमारा बैक साइड का पल्ला है और इसे हम इस तरीके से रख लेंगे अच्छे से। ये देखिए, हमने सिर्फ गला अटैच किया है। ये देखिए, हमने सिर्फ साइड में सिलाई लगाई है और दूसरी साइड हमने बिल्कुल भी सिलाई नहीं लगानी है। ये देखिए, इस तरीके से आपने सिलाई नहीं लगानी है। और ये हमारा बैक साइड का पल्ला है, तो इस तरीके से हमने बैक साइड के पल्ले को उल्टा रखना है। ये देखिए, इस तरीके से हमने उल्टा रखना है और जो हमने गले को ज्वाइंट किया उसको इस तरीके से फोल्ड करना है। ये देखिए, हमने इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और पूरे में सिलाई लगा देना है। ये सिलाई हमें सिर्फ एक ही पल्ले पर लगाना है। आप चाहे तो फ्रंट साइड के पल्ले पर लगा लें या बैक साइड के पल्ले पर लगा लें, बट हमने एक ही पल्ले पे इस तरीके से फोल्ड करके गले पर सिलाई लगाना है। हमने इस तरीके से सिलाई लगा लेना है। यहाँ पर हमने एक साइड के पल्ले पर इस तरीके से सिलाई लगा लिया है, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से आपने भी एक साइड के पल्ले पर यहाँ पर सिलाई लगा लेना है। आप देख सकते हैं, हमने एक सिलाई लगा लिया है। देन हमें अब दूसरे साइड के पल्ले को लेना है और इस तरीके से रखना है, और आप देख सकते हैं हमने इस पर सिलाई नहीं लगाई है। ये देखिए, इस तरीके से हमें इसे रखना है और सेकेंड वाले पल्ले को ले लेना जिस पर हमने सिलाई लगाई हुई है। और आप देख सकते हैं, हमने सीधे साइड के पल्ले को सीधे साइड पर ही रखना है। ये देखिए, इस तरीके से हमने दोनों साइड के पल्लों को सीधे साइड से रखा है। और हमने क्या करना है, इस तरीके से जिस पर हमने सिलाई नहीं लगाई गले पे उसको ऐसे फैला लेना है, और जिस पर हमने सिलाई लगा दिया है उस गले को हमने उसके साइड में इस तरीके से रखना है। आप देख सकते हैं, हमने इस तरीके से अंदर की साइड में रखना है। ये देखिए, इस तरीके से हमने उसके अंदर की साइड में रखना है और पूरे पे सिलाई लगा देना है, यानी पूरे शोल्डर पे सिलाई लगा देना है। आप देख सकते हैं, इस तरीके से हमने पूरे शोल्डर पर सिलाई लगा देना है, और इसी तरीके से हमने दूसरे वाले भी शोल्डर पर सिलाई लगा देनी है। जब हम इस तरीके से गाइस शोल्डर ज्वाइंट करते हैं तो ये शोल्डर हमारा बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार होता है, और ये तरीका बहुत इजी भी होता है। तो यहाँ पर मैंने स्टिचिंग कर ली है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये हमारा किस तरीके से हमारा शोल्डर बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं, हमने स्टिचिंग कर ली है। उसके बाद हमने इसे खोल लेना है। हम इन दोनों शोल्डर को इस तरीके से खोल लेंगे और इसको अंदर की साइड में हमने मोड़ देना है। गाइज, आप यहां पर देख सकते हैं हमारा शोल्डर कितना फिनिशिंग के साथ और बहुत ही ईजली बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए, ये बहुत ही आसान तरीका होता है शोल्डर को अटैच करना और एकदम फिनिशिंग के साथ। अब हमने दूसरे शोल्डर को भी इसी तरीके से अटैच कर लेना है। दूसरा शोल्डर हम अटैच कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ उसका फाइनल लुक। गाइज, यहाँ पर हमने दूसरा शोल्डर भी ज्वाइंट कर लिया है। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ कि हमारा जो शोल्डर किस तरीके से ज्वाइंट होकर तैयार हुआ है।
आप देख सकते हैं ये कितना इजीली और फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार हो गया। इसी तरीके से आप भी बहुत इजीली तरीके से शोल्डर को अटैच कर सकते हैं और ये कितनी फिनिशिंग के साथ अच्छे से तैयार हुआ है। ये देखिए, ये हमारा जो जॉइंट था वो अंदर चला गया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।